मानगो स्थित मुंशी मोहल्ला में आलू कारोबारी गुरफान से शुक्रवार सुबह अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ में दोनों ने बताया है कि लूट की घटना में कुल 5 लोग शामिल थे। इधर गिरफ्तार आरोपियों में कपाली के मोहम्मद राजा और सकीमुद्दीन शामिल है, जिसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने दी। बताते चले कि आरोपितों के पास से एक बैग, एक चापड़, चाकू, एक ट्राउजर, लूटा गया मोबाइल फोन, नगद 50,040 रुपये, दो बाइक, दो टोपी और एक टी शर्ट भी बरामद कर लिया गया है। इधर एसएसपी ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से आलू व्यापारी की रेकी की जा रही थी और बिक्री के पैसे आमतौर पर उनके पास रहा ही करता था। इधर शुक्रवार सुबह 10 बजे एक युवक एक बोरा आलू खरीदने ग्राहक बनकर आया था और दो लोग रेकी कर रहे थे। तीन लोग उसकी गद्दी में घुसे थे, पिस्तौल का भय दिखाकर गुफरान के साथ मारपीट की और कैश काउंटर में रखे 1,50,000 रुपये लूट कर चलते बने। इधर घटना में अपराधियों का कहना था कि उसकी गद्दी में महज 30,000 रुपये ही थे। इधर जहां तक पिस्तौल की बात है तो फरार तीनों अपराधियों के पास हथियार है जो लेकर फरार हो गए हैं। लूट के रुपए में उन लोगों को केवल 5,000 रुपये ही हिस्से के रूप में मिले हैं। बताते चलें कि एसएसपी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी लूट को अंजाम देने के बाद स्वर्णरेखा नदी की ओर भाग रहे थे। इधर पुलिस की टीम नदी की ओर तलाशी लेने गई तो दो संदिग्ध लड़कों को पुलिस ने देखा। पुलिस उनकी ओर जब बढ़ने लगी तो दोनों नदी में कूद गए, लेकिन पुलिस एक को पकड़ने में कामयाब हो गई जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए मोहम्मद राजा की निशानदेही पर ही पुलिस ने उसके सहयोगी सकीमुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी अपराधियों की स्पष्ट तस्वीर आई थी, जिसमें घटना के बाद अपराधी पिस्तौल लहराते हुए भागते देखे गए थे।